पहले बोलो मेरे रंग में रंगने वाली क्या हो जल्द कभी मैं मेट्रो की 3 सीढ़ियों से गिर जाती हूँ। अरे रे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड दिस इज मी बाउंडलेस विशाखा एंड आज हम आए हैं देहरादून घूमने के लिए। सो ये खड़ी है हमारी नैनो, हमने ये फ्री पार्किंग है, हमने यहाँ पे फ्री पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और अभी हम जाएंगे रॉबर्ट्स केव घूमने के लिए। सो आप जब भी रॉबर्ट्स केव आएँ तो यहाँ आउटसाइड में भी बहुत सारी पार्किंग है जहाँ पे पार्किंग के चार्जेस हैं, तो जो लोग ट्रैवल कम करते हैं उन लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं इसलिए। तो ये यहाँ पे फ्री पार्किंग है और बहुत बड़ा स्पेस है पार्किंग के लिए, इनफ स्पेस है, तो आप यहाँ पे अपनी गाड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट पार्क कर सकते हैं। और ये कुछ रिफ्रेशमेंट्स के लिए यहाँ पे स्टॉल बने हुए हैं, बट हम अंदर जाएंगे, हमें खानी है मैगी। और यहाँ पर स्लीपर्स के लिए स्लीपर्स और लॉकर्स की फैसिलिटी भी है, आप 10 रुपीज़ चार्ज करके यहाँ पे स्लीपर्स रेंट पे ले सकते हैं अंदर गुफा में जाने के लिए। सो अभी हम इस समय पहुँच चुके हैं रॉबर्ट्स केव और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे रॉबर्ट्स केव का एंट्री गेट है और यहाँ पर एंट्री चार्जेस भी हैं। एंट्री चार्जेस हैं रुपीज़ यहाँ पे 35 रुपीज़ पर पर्सन, तो आप यहाँ से पर पर्सन अपने टिकट्स वगैरह ले सकते हैं। हेलो, आप ही नहाने आई हो, चलो आपको घुमाते हैं, आ जाओ। हाँ साफ है, अंदर चला पहले तुम ये कहो मेरे रंग में रंगने वाली, रिपीट आफ्टर मी। अरे कहो ना, कहो पहले बोलो मेरे रंग में रंगने वाली, कहो जल्दी क्या? पहले कहो मेरे रंग में रंगने वाली, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या तुम परियों की रानी, बोलो बोलो परी हो या तुम परियों की रानी, जल्दी बोलो ना क्या है, बोलो परियों की रानी या हो मेरी प्रेम कहानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, फिर बोलो मेरे सवालों का जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, नहीं दूंगी कोई जवाब तुम्हारे किसी भी सवाल का। यहाँ पे अंदर भी रिफ्रेशमेंट एरिया है, आप अगर बाहर खाना ना पसंद करें तो आप अंदर भी खा सकते हो। स्लीपर्स कॉस्ट्यूम्स की फैसिलिटी यहाँ अंदर भी अवेलेबल है, बाहर से ना लेना चाहे तो आप अंदर से ले सकते हैं। लोग बता भी रहे हैं कि आगे अंदर सांप भी है, तो मैंने अभी सोचा था कि मैं YouTube पे लाइव आ जाती हूँ, बट यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है तो YouTube पे तो लाइव आ ही नहीं पाऊँगी मैं। कोई बात नहीं, आप मेरा ब्लॉग देखिएगा और ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कॉमेंट कीजिएगा। पता है उसके टाइम में जब वो थे ना लुटेरे वगैरह होते थे, लुटेरे भी होते थे, लुटेरे यार चोर चोरी करके यहाँ आते थे, चोरी करके घोड़े मारे ना टड़ा 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 घोड़ों का रास्ता है, पता नहीं घोड़े भी आ सकते हैं पैदल भी आ सकते हैं। तो
जवानी में चलो यार, बस देख लेना सांप ना निकला है मेरे को तो सांप। अच्छा वो तो ये घर के अंदर मछली भी है, बाहर नहीं बोल रहा था वो हैं क्या तो रहा था इसके बारे में तुमसे बात कर रहा। ये पत्थर गिर गए हैं पहाड़ के। अच्छा चल तो तेरा अंदर तो आ जा जा आगे में वहां चलना वहां पे। वैसे नहा सकते थे यार, यहाँ पे पानी भी सही है। देख के यहाँ एक पैर थोड़ा स्लिप हो रहा है नीचे। यहाँ से रास्ता है। हाँ आगे तक नहीं, बस एक झरना टाइप है नहाने के लिए, बढ़िया लोकेशन है। अरे बढ़िया, ऊपर सर ऊपर तो पानी गिर रहा है यार, मस्त है। अरे नहाने के लिए बढ़िया यार, हम तो लाए नहीं तो नहाते। चढ़ तो गई उतने ही कैसे, भी देख लियो वैगन चढ़ तो गई उतने ही कैसे। आ जा चलना है ना जी, मैं घुमाता हूँ आ जाए पकड़। चल रहे मेरे पीछे पीछे आ जा, बहस पूरी करनी है कि मैं जहाँ चढ़ूंगा वहीं चलेगी। बिल्कुल, अभी ये देखो कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से पूछ रहा जा, ऐसे ऐसे करके फिर जाना है। पंजी का बिल्कुल प्रॉब्लम है।
हम आ चुके हैं रॉकर्स केव में सबसे टॉप पर। यहाँ पे कोई नहीं है, हम दोनों पगले, हाँ दोनों हम ही हैं कुछ दो चार लड़के होंगे, लड़कियाँ हैं ही नहीं यहाँ पे। मेरे साथ अक्सर उस मोमेंट होते रहते हैं, कभी मैं मेट्रो की 3 सीढ़ियों से गिर जाती हूँ, अरे रे, कभी मेरा पैर मुड़ जाता है। इतने उप्स मोमेंट बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ नहीं होते जितने मेरे साथ हो जाते हैं अकेले। आओ जल्दी जल्दी, यहाँ पे बस एक ही डर लग रहा है कि यहाँ सांप ना हो जाए, क्योंकि हमने पीछे अभी सांप देखा था तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे सांप होगा। बहुत आगे तक है यार, बहुत आगे तक रास्ता है। एरो, अरे वो वे दिखाने के लिए एरो बना है कि ये रास्ते पे आप जा सकते हो, पता चला लोग चट्टानों पे चढ़ गए। कहाँ पे था? नहीं हम भी तो एरो देख देख के आए हैं। अरे हम एरो देख देख के आए हैं यार, क्या बातें करते हो तुम। बंद है शायद, बंद है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें। थक गए हो क्या? अरे आ जाओ यार, तुम्हारे मोटिवेशन के चक्कर में तो मैं यहाँ तक आ गई। तैरते तैरते मसूरी झील में पहुंच जाएंगे। तुमने मुझे इतना मोटिवेट किया, मैंने सोचा चलो ठीक है आज इस केव को पूरा कर ही लेते हैं, हम पूरा देख लेते हैं, और अब तुम ही मेरे पीछे पीछे आ रहे हो। गुफा खत्म। अगर नहर के पीछे भी जाएगी मंसूर ले।